तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज ब्लड, उसके कंपोजिशन, व्हाट आर प्लाज्मा प्रोटीन्स और उसके फंक्शंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में, आरबीसी के बारे में। उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ब्लड फ्रैक्शनेशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। सपोज दैट हमने ब्लड लिया और ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज किया। जब हमने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, उसके बाद में जब हमने इसको स्टैंड बाई रखा तो टेस्ट ट्यूब में हमको कुछ ऐसा दिखेगा। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो कलेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स। बीच में एक कोट बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं बफी कोट। इस बफी कोट में WBC पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और टेस्ट ट्यूब के अपर साइड हमें मिलता है प्लाज्मा। हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा 55% वॉल्यूम शेयर करता है ब्लड में, RBC 44% और बचा हुआ WBC और प्लेटलेट्स 1%। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे हम जान पाएंगे कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये होता है कि ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब ब्लड को हम स्टैंड बाई करते हैं तो 1 आवर में किस रेट से RBC नीचे सेडिमेंट हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं ESR क्या है। सो वी कैन राइट rate of sedimentation of RBC in 1 hour of standing, rate of sedimentation of RBC in 1 hour of standing is known as ESR. ESR को इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करेंगे RBC पे। हमें जैसा मालूम है 1 ml ऑफ ब्लड में 5 million रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सो वी कैन राइट फर्स्ट पॉइंट, 1 ml ऑफ ब्लड हैव approximately 1 ml of blood have approximately 5 million of red blood cells. इसके साथ साथ females में slightly इसकी population कम होती है, approximately 4.8 million. तो next point हम लिख सकते हैं females have slightly less RBC count. अब हम बात करेंगे RBC के शेप की। तो RBC का शेप कैसा होता है? RBC का शेप होता है बाई कॉनकेव डिस्क की तरह। तो शेप ऑफ आरबीसी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बाई कॉनकेव डिस्क कुछ ऐसा होता है, मतलब इसके जो एजेस हैं वो चौड़े रहेंगे, ब्रॉड रहेंगे, और जो मिडिल पोर्शन है वो थिन रहेगा। और ये बाई है तो देखो बोथ साइड्स कॉनकेव शेप में है, इसी वजह से शेप ऑफ RBC क्या हो गया? बाई कॉनकेव डिस्क हो गया। एक और बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, मैच्योर RBCs में न्यूक्लियस नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं
दैट मैच्योर आरबीसीज मैच्योर मैच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव मैच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस. मैच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस. अब फंक्शन देखते हैं तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है. आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन को पहुंचाता है. तो हम लिख सकते हैं दैट आरबीसीज कैरी हीमोग्लोबिन पिगमेंट. वी कैन राइट आरबीसी कैरी हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ HB. आरबीसी कैरी हीमोग्लोबिन पिगमेंट. आरबीसी कैरी हीमोग्लोबिन पिगमेंट विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज तो हम लोगों ने देख लिया आरबीसी 1 ml ऑफ ब्लड में अप्रॉक्सीमेटली 5 million ऑफ आरबीसी पाए जाते हैं. फीमेल्स में थोड़ा सा लो काउंट होता है आरबीसी का. आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव डिस्क का होता है. आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है लंग्स से टिश्यूज में. हम कुछ और बातें करेंगे आरबीसी पे. हमें जैसे पता है कि मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि अगर न्यूक्लियस होगा तो उतने नंबर्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, और जब न्यूक्लियस नहीं रहता है तो वो मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को एकोमोडेट कर सकता है. तो हम पॉइंट लिख सकते हैं कि आरबीसी लैक न्यूक्लियस. हम लिख सकते हैं आरबीसी लैक न्यूक्लियस टू एकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन नेक्स्ट आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है. बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स में. इसका है 120 days. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना, हाउ मच, 120 days. अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की. आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसको क्या कहते हैं, आइए जानते हैं. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस. एरिथ्रोपोएसिस और सबसे ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारे बोन मैरो में. तो हम लिख सकते हैं मेजर साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस इज बोन मैरो. एक्चुअली एट बर्थ लगभग सारे बोन्स में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मैक्सिमम सारी बोन्स में आरबीसी का सिंथेसिस रुक जाता है. मेजरली जितनी फ्लैट बोन्स हैं और कुछ लॉन्ग बोन्स को छोड़ करके बाकी सब में आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं होती है. तो किन किन बोन्स में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है एक एडल्ट लाइफ में, वो हम देखेंगे. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ऑल फ्लैट बोन्स
ऑल फ्लैट बोन्स लाइक हिप बोन स्टर्नम एक्सेट्रा एंड टू लॉन्ग बोन्स। एक हो गई हमारी ह्यूमरस एंड सेकेंड टीबिया। परफॉर्म एरिथ्रो पोएसिस। तो हमने देखा कि आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि आरबीसीज का फेट होता है कि वो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन अपने अंदर एकोमोडेट करें और वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करें हमारी बॉडी में। सेकेंड, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज का होता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। सबसे ज़्यादा इरिथ्रोपोएसिस का मेजर साइट क्या है? बोन मैरो है। एक अडल्ट लाइफ में जितनी फ्लैट बोन्स हैं, जैसे हिप बोन हो गई, स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, ये सब, और प्लस दो लॉन्ग बोन्स ह्यूमरस और टीबिया, इन सब में मैक्सिमम इरिथ्रोपोएसिस देखा जाता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का। नाउ वी विल टॉक अबाउट बेसिक रेगुलेटर ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर वो बॉडी में क्या चीज़ है जो स्टिमुलेट करती है आरबीसी के प्रोडक्शन को। तो सबसे पहले, अगर टिश्यू हाइपॉक्सिक कंडीशन में है तो आरबीसी का प्रोडक्शन बॉडी में हाई होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपॉक्सिक कंडीशन होती क्या है। व्हाट इज हाइपॉक्सिया? तो हम लोग कह सकते हैं डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो हम लिख सकते हैं हाइपॉक्सिया इज द डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज हाइपॉक्सिया। जब ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो वो हो जाता है हाइपॉक्सिक कंडीशन। तो ये हाइपॉक्सिक कंडीशन किस तरीके से आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक हाइपॉक्सिक टिश्यू है। ये हाइपॉक्सिक टिश्यू क्या करेगा? ये हाइपॉक्सिक टिश्यू सबसे पहले स्टिमुलेट करेगा किडनी को। हाइपॉक्सिक टिश्यू स्टिमुलेट करेगा किडनी को, और किडनी क्या करेगी? एज अ रिजल्ट ये प्रोड्यूस करेगी एक पेप्टाइड हार्मोन। ये कौन सा पेप्टाइड हार्मोन होगा? ये होगा इरिथ्रोपोएटिन। किडनी क्या प्रोड्यूस करेगी? किडनी प्रोड्यूस करेगी इरिथ्रोपोएटिन। एज अ रिजल्ट इरिथ्रोपोएटिन फर्दर कहाँ पे एक्शन करेगा? ये एक्शन करेगा बोन मैरो को। इरिथ्रोपोएटिन फर्दर स्टिमुलेट करेगा हमारे बोन मैरो को। एज अ रिजल्ट बोन मैरो क्या करेंगे? बोन मैरो आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन। तो हमने देखा कि बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन क्या रेगुलेट करता है? ये हाइपॉक्सिक कंडीशन रेगुलेट करती है। हाइपॉक्सिया क्या होता है? जब ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वो होता है हाइपॉक्सिया। जब टिश्यू हाइपॉक्सिक होती है तो वो किडनी को स्टिमुलेट करती है। एज अ रिजल्ट किडनी इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज करता है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन फर्दर बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और बोन मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है।
हमने देखा कि जो पेशेंट्स क्रोनिक रीनल फेलियर जिनको हो जाता है उनमें आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाती है, वो लोग एनेमिक होते हैं क्योंकि उनकी किडनी उस तरीके से फंक्शन नहीं करती लाइक अ नॉर्मल किडनी, दैट इज़ वाई उनमें आरबीसी की काउंट कम हो जाती है। जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, जो लोग हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन में रहते हैं, उन लोगों का टिश्यू हाइपॉक्सिक होता है, इस वजह से उनके बॉडी में आरबीसी काउंट ज़्यादा पाया जाता है। जो चेन स्मोकर्स होते हैं उन लोगों की टिश्यू भी हाइपॉक्सिक होती है, उन लोगों के बॉडी में भी रेड ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो बात करेंगे WBC की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।